अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 9 स्टूडेंट्स, आज हमारा एक्सरसाइज 5.2 का लास्ट लेक्चर है, क्योंकि इस एक्सरसाइज के तकरीबन तमाम क्वेश्चंस मैंने करवा दिए थे, लेकिन दो क्वेश्चन रह गए थे, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 5, क्योंकि जो बाकी क्वेश्चंस थे वो जनरल किस्म के क्वेश्चंस थे, वो मैंने उनके कंसर्न वीडियो लेक्चर्स में बना दिए थे। इसमें से ये क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 8 है, ये थोड़ा सा डिफरेंट था, और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 5 भी थोड़ा सा डिफरेंट था, इसलिए इन दोनों को अलहदा से समझाना चाहूँ, ताकि आप इस वीडियो लेक्चर को देखेंगे तो आपको ये दोनों जो डिफरेंट किस्म के क्वेश्चंस हैं, इसको भी आसान तरीन तरीके से कैसे करना है वो समझ आ जाएगा। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 8। फैक्टराइज करना है 5x - 1/x² प्लस 4 × 5x - 1/x + 4। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 के जितने पार्ट्स थे उसमें सिंगल टर्म्स थी, और उसको हमने मिड टर्म ब्रेक के जरिए आसानी से उसको फैक्टराइज कर लिया था। अब ये भी हमने करना है, इसको मिड टर्म ब्रेक से ही है, लेकिन इसमें आप देखें ब्रैकेट के अंदर 5x - 1/x, यानी दो टर्म्स आ गई हैं। अगर हम इसको वैसे ब्रेक करना चाहेंगे तो हो सकता है कि बहुत सारे बच्चों को इसका कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो, लिहाजा इसका एक आसान तरीन तरीका बताने लगा हूँ कि जब भी ब्रैकेट के अंदर आपके पास दो टर्म्स हों या 3 टर्म्स हों, तो हमेशा उसको लेट करके करें। जब आप उसको लेट कर लेंगे किसी थर्ड वेरिएबल में, तो उसके बाद वो जब आप उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वो आसानी से सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो इसी तरह हम 5x - 1/x को लेट कर लेते हैं कि लेट 5x - 1/x इज इक्वल टू 8। अब जो हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन है उसके मुताबिक ये वैल्यूज चेंज कर दें, 5x - 1/x की जगह देगा यानी a होल स्क्वायर प्लस 4 × 5x - 1/x, जैसे हो जाएगा 4a और प्लस 4 वैसे ही आ गया। अब देखें ये एक सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, यानी a स्क्वायर प्लस 4a + 4। अब इसको फैक्टराइज करना बहुत आसान है, हम इसको फार्मूला बनाकर भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम मिड टर्म ब्रेक के कॉन्सेप्ट के साथ कर रहे हैं, लिहाजा हम इसकी मिड टर्म ब्रेक कर लेते हैं। इसकी कॉन्स्टेंट टर्म है 4 और a स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1, यानी 1 × 4 करेंगे तो 4 बन जाएगा। अब 4 के दो ऐसे फैक्टर्स जो हैं जिनका सम या डिफरेंस मिड टर्म बने, यानी वो 4 है, और उसका प्रोडक्ट बने वो 4, तो ऑब्वियसली 2 and 2 आर द टू फैक्टर्स हुज सम इज इक्वल टू 4 एंड देयर प्रोडक्ट इज आल्सो 4। जैसे इसको हम ब्रेक कर लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2a + 2a + 4। अब पहले पेयर में से a कॉमन कर लेते हैं तो अंदर आ जाएगा a प्लस 2, प्लस सेकेंड पेयर में से हम 2 कॉमन करेंगे तो अंदर आ जाएगा a प्लस 2। अब a प्लस 2 दो दफ़ा है, जैसे इसको एक दफ़ा लिखेंगे तो a प्लस 2 इंटू a प्लस 2, यानी a प्लस 2 का होल स्क्वायर है। तो मैंने आपको पहले बताया था कि जो भी चीज़ पावर में लिखी हो उसको हमेशा ब्रेक करके रखना चाहिए। जैसा अब a + 2a + 2 हो गया, अब a की वैल्यू जो हमने लेट की थी 5x - 1/x वो यहाँ पर रिप्लेस कर दें, तो a की जगह आ जाएगा 5x - 1/x + 2 इंटू 5x - 1/x + 2। आपने देखा कि लेट करने से क्वेश्चन बहुत ही आसान हो गया, अगर इसको बगैर लेट करके करते तो फिर यहाँ पे आपको मिड टर्म ब्रेक करते हुए काफ़ी किस्म की दुश्वारी का सामना करना पड़ सकता था। लिहाजा इसको जब हमने लेट कर लिया a में, तो ये एक सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई जिसकी मिड टर्म ब्रेक आसानी से हो गई। जब उसने हमने मिड टर्म ब्रेक कर ली, उसके फैक्टर्स बना लिए, तो वापस a की वैल्यू को रिप्लेस कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 5, x + 1 × x + 2 × x + 3 × x + 6 - 3x². अगेन ये क्वेश्चन जो पहले नॉर्मल क्वेश्चन थे क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर 1 से लेके पार्ट नंबर 4, उससे टोटली डिफरेंट क्वेश्चन है। उन क्वेश्चन में हमें क्या था कि यहाँ तो हमें दोनों ब्रैकेट में है, हम उसको रीअरेंज कर लेते थे, यानी ऐसा दो पेयर बना लेते थे जिसका सम एक जैसा बनता हो, ताकि दो टर्म्स एक जैसी बन जाए और उसको लेट कर लें। अब यहाँ पे देखें, अगर हम 1 + 2 करते हैं तो 3 बनता है, 2 + 3 करते हैं तो 5 बनता है, 3 + 6 करते हैं तो 9 बनता है, इसी तरह 1 + 6 करेंगे तो 7 है, 2 + 3 करेंगे तो 5। इट मीन्स के सम करने से दोनों दो वैल्यूज एक जैसी नहीं हो रही। जैसा हमने जो पहले 4 पार्ट्स किए थे उसमें हमने सम देखा था या डिफरेंस देखा था, वो एक जैसा बन गया था, उसको भी लेट कर लिया। तो इस टिपिकल क्वेश्चन की पहचान क्या है कि इसमें वेरिएबल आ रही है लास्ट में, बाकी जो हमने 4 पार्ट्स किए थे उसमें 4 टर्म्स थी या 3 टर्म्स थी या 2 टर्म्स थी, वट एवर द नंबर ऑफ टर्म्स हुआ, लेकिन यहाँ पे माइनस करने के बाद एक कॉन्स्टेंट टर्म थी, उसमें वेरिएबल नहीं थी। लिहाजा आपने माइंड में रखना है कि जब आपके पास 4 टर्म्स या 3 टर्म्स या 2 टर्म्स ऐसी दी हुई है, लेकिन जो डिफरेंस वाली वैल्यू आ रही, जो डिफरेंट वैल्यू आ रही है, वो भी एक वेरिएबल है, इसका मतलब फिर आपने सम नहीं बल्कि उसके अंदर सेम प्रोडक्ट को
तलाश करना है। कैसे, ये देखें, वन मल्टीप्लाई बाई टू करेंगे तो टू, और थ्री और सिक्स का प्रोडक्ट लेंगे तो 18, बात नहीं बनी। फिर टू थ्री जा सिक्स और सिक्स वन जा सिक्स, इसका मतलब है अगर हम ये पेयर बना लें डी रेंज करके, इसका और इसका, जैसे हमने पहले चार पार्ट्स किए थे उसमें हम क्या कर रहे थे कि हम रीअरेंज करने के लिए देखते थे कि कौन सी दो पेयर ऐसे हैं जिसका सम एक जैसा बन जाए। लेकिन क्योंकि ये पहचान है कि वहाँ पे यहाँ पे कॉन्स्टेंट टर्म थी जो माइनस हो रही है, यहाँ पे एक वेरिएबल माइनस हो रही है, यहाँ से आपने याद रखना है कि जब कोई वेरिएबल माइनस हो रही होगी तो फिर आपने सम नहीं उसका प्रोडक्ट भी आप उसका चेक कर सकते हैं। तो हम इसको प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन बनाएंगे और अब उसके मुताबिक रीअरेंज करेंगे और फिर उसका प्रोडक्ट लेने के बाद उसको एक्सपेंड करेंगे, फिर लेट करेंगे और उसके बाद वैल्यूज रिप्लेस कर देंगे। तो रीअरेंज करें, x प्लस वन और x प्लस सिक्स का कॉम्बिनेशन एक तरफ कर दिया, फिर x प्लस टू और x प्लस थ्री का एक तरफ कर दिया, क्योंकि सिक्स वन जा सिक्स और टू थ्री जा सिक्स आ रहा था। अब इस पेयर का पहले प्रोडक्ट लेने, x प्लस वन इंटू x प्लस सिक्स का वैसी तरीका कि x को x के साथ मल्टीप्लाई करें, दोनों कॉन्स्टेंट को ऐड करके मिड टर्म बनाएं और फिर दोनों कॉन्स्टेंट का प्रोडक्ट लेके थर्ड टर्म बना लें, यानी x को x से मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर, फिर वन प्लस सिक्स सेवन यानी सेवन एक्स, फिर वन सिक्स जा सिक्स। सिमिलरली सेकंड पेयर में हम जाते हैं, x को x से मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर, फिर दोनों कॉन्स्टेंट का सम लेके मिड टर्म बनाए, टू प्लस थ्री फाइव एक्स, और फिर दोनों कॉन्स्टेंट का प्रोडक्ट लेके थर्ड टर्म बना ली, प्लस सिक्स माइनस थ्री एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें, एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस सिक्स है और इधर है एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स, यानी पहली दो टर्म्स तो डिफरेंट हैं लेकिन एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स दोनों में आ रहा है, तो इसका मतलब इसको रीअरेंज कर लें, यानी एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स प्लस सेवन एक्स और इधर सर एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स प्लस फाइव एक्स। अब देखें, एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स दोनों टर्म्स में आ गया। अब क्योंकि दोनों जो भी हमारी टर्म्स हैं उसमें एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स सेम नजर आ रहा है, लिहाजा हम उसको ईजिली लेट कर लेंगे। सो लेट एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स इज इक्वल टू ए। अब दोबारा वैल्यूज पुट कर दें, एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स की जगह आ जाएगा ए, सो ए प्लस सेवन एक्स इंटू ए प्लस फाइव एक्स माइनस थ्री एक्स का थ्री एक्स स्क्वायर। अब इसको एक्सपेंड कर दें वैसे जो आपको तरीका सिखाया था, ए को ए से मल्टीप्लाई करें, यानी ए को ए से मल्टीप्लाई कर ए स्क्वायर प्लस ए को फाइव एक्स से दिया गया प्लस फाइव ए एक्स, फिर सेवन एक्स को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस सेवन ए एक्स, फिर प्लस 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 सेवन फाइव थर्टी फाइव एक्स स्क्वायर और फिर माइनस थ्री एक्स स्क्वायर वैसे आ गया। अब लाइक टर्म्स को इकट्ठा कर लें, यानी गधे घोड़े अलग कर लें, ए स्क्वायर वाली अकेली टर्म जैसी आ गई, फिर फाइव ए एक्स प्लस सेवन ए एक्स हो गया ट्वेल्व ए एक्स प्लस थर्टी फाइव माइनस थ्री तो थर्टी टू एक्स स्क्वायर आ गया। अब ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर्स आ गए, यानी ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर। अब इसको हम मिड टर्म ब्रेक करेंगे वैसे जैसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर थ्री के रिमेनिंग पार्ट्स में करवाया था। अब इन दोनों का प्रोडक्ट लें, यानी ए स्क्वायर का कोफिशियंट है वन और इधर दूसरा प्रोडक्ट हमारा आ रहा है थर्टी टू, तो थर्टी टू वन जा थर्टी टू। अब दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिसका सम जो है वो ट्वेल्व हो और प्रोडक्ट जो है वो थर्टी टू, तो ऑब्वियसली एट एंड फोर आर द टू नंबर्स हुज सम इज ट्वेल्व एंड देयर प्रोडक्ट इज थर्टी टू। तो हम इसको ब्रेक कर लेंगे एट और फोर में, तो लिखें ए स्क्वायर प्लस एट ए एक्स प्लस फोर ए एक्स प्लस थर्टी टू एक्स स्क्वायर। अब फर्स्ट पेयर में से ए कॉमन कर लेते हैं, ए कॉमन किया तो अंदर आ जाएगा ए प्लस एट एक्स। सिमिलरली सेकेंड पेयर में से हम फोर के ऊपर दोनों टेबल दो फोर के ऊपर दोनों वैल्यूज आती हैं, यानी फोर से डिविजिबल है लिहाजा फोर हम कॉमन कर लेंगे तो अंदर आ जाए फोर और एक्स कॉमन करेंगे क्योंकि एक्स इसमें भी है और इसमें भी है, तो लीस्ट पार्ट को हमेशा कॉमन किया जाता है, लिहाजा फोर एक्स को कॉमन किया अंदर आ जाएगा ए प्लस एट एक्स। अब देखें ए प्लस एट एक्स दोनों में कॉमन है, यानी टू टाइम्स लिखा उसको वंस लिखें, यानी एक मरतबा उसको लिखा जाएगा, यानी ए प्लस एट एक्स इन टू इधर से आया ए प्लस फोर एक्स। अब हमारे पास ये फैक्टराइज होने के बाद आ गया ए प्लस एट एक्स इंटू ए प्लस फोर एक्स। अब ए की वैल्यू को रिप्लेस कर दें, तो हमारी ए की वैल्यू थी यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स, वो वहाँ पे पुट कर देते हैं, तो ए की जगह आ गया एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स प्लस एट एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स प्लस फोर एक्स। फिर मैंने आपको एक बात और कही थी कि जब भी थ्री टर्म्स दी हों तो आपने उसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो इसको रीअरेंज करके लिख लेते हैं, यानी एक्स स्क्वायर प्लस एट एक्स प्लस सिक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस सिक्स। अच्छा एक बात और याद रखनी है कि इसमें जो बुक का आंसर दिया हुआ है वो आंसर गलत दिया हुआ है, उसमें लिखा हुआ है एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस समथिंग डिफरेंट किस्म का लिखा हुआ है,
तो वो आंसर गलत है। लिहाजा इसका सही और राइट आंसर ये है कि एक्स स्क्वेयर प्लस एट एक्स प्लस सिक्स इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस फोर एक्स प्लस सिक्स। अब इसकी फर्दर फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है, लिहाजा ये इसका आंसर है। चेक कर लेते हैं फैक्टराइजेशन हो सकती है कि नहीं। सिक्स मल्टीप्लाई बाय वन करेंगे तो सिक्स, तो सिक्स के फैक्टर्स क्या बनेंगे, वन टू थ्री एंड सिक्स। तो टू और थ्री या वन और सिक्स को पहले देखें, सम जो होगा वो सेवन बनता है और डिफरेंस जो है वो फाइव, हमें एट चाहिए। इसी तरह टू और थ्री का सम जो है वो फाइव बनता है और प्रोडक्ट सिक्स बनता है, लिहाजा मिड टर्म नहीं बनती, लिहाजा इसके फैक्टर्स पॉसिबल नहीं है। सिमिलरली सिक्स वन जार सिक्स, अब सिक्स के जो फैक्टर्स हैं वो हमारे पास हैं वन टू थ्री और सिक्स, यानी सिक्स और वन का जो डिफरेंस है वो फाइव बनता है और सिक्स और वन का जो सम है वो सेवन बनता है, यानी फोर नहीं बनेगा। लिहाजा इन दोनों की फर्दर फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है, लिहाजा हमारा यही आंसर हो जाएगा। रिवाइज कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री का पार्ट नंबर एट, क्योंकि इसके अंदर ब्रैकेट में दो टर्म थी, लिहाजा इसको हम डायरेक्ट मिड टर्म ब्रेक करेंगे तो उसमें कन्फ्यूजन रहती है और वो कन्फ्यूजन मोस्टली स्टूडेंट्स को समझ नहीं आती। लिहाजा इसका आसान तरीन तरीका आपको बता रहा हूँ कि 5x माइनस एक्स को लेट कर लिया, 5x माइनस वन ओवर एक्स को लेट किया a, और इसकी जगह फिर a की वैल्यू पुट कर दी, तो ये बन गया ए स्क्वेयर प्लस फोर ए प्लस फोर, और उसके बाद आराम से उसकी मिड टर्म ब्रेक कर दी। जब मिड टर्म ब्रेक कर दी तो हमारे पास आंसर आया a प्लस टू इंटू ए प्लस टू, और फिर a की वैल्यू रिप्लेस कर दी, यानी 5x माइनस वन ओवर एक्स प्लस टू इंटू 5x माइनस वन ओवर एक्स प्लस टू। क्वेश्चन नंबर फोर का पार्ट नंबर फाइव, क्योंकि इसमें यहाँ पे पहचान है कि ये इसकी रीअरेंजमेंट जब हमने करनी है, यहाँ पे एक्स स्क्वेयर आ रहा है तो हम सम को नहीं प्रोडक्ट को भी लिख सकते हैं, लिहाजा हम उसको रीअरेंज करेंगे। वन और सिक्स का प्रोडक्ट लिया तो सिक्स है, इस तरह टू और थ्री का प्रोडक्ट लिया तो वो सिक्स आ रहा था, लिहाजा उसके मुताबिक हमने इसको रीअरेंज कर दिया, यानी एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस सिक्स इंटू एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस थ्री। फिर इसकी एक्सपेंशन की, प्रोडक्ट लिया, प्रोडक्ट करने के बाद एक्स स्क्वेयर प्लस सेवन एक्स प्लस सिक्स, और इधर से एक्स स्क्वेयर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स आया, जिसमें से एक्स स्क्वेयर प्लस सिक्स दोनों में था, जैसा उसको हमने लेट कर लिया। लेट करने के बाद फिर उसी तरह हमने उसको ए में कन्वर्ट किया, उसकी मिड टर्म ब्रेक की, और उसके बाद जब एंड पे हमारे पास आंसर आ गया ए प्लस एट एक्स इंटू ए प्लस फोर एक्स, तो ए की वैल्यू उसको रिप्लेस कर दिया, यानी एक्स स्क्वेयर प्लस सिक्स दोबारा वहाँ पर वैल्यू पुट कर दी, और उसके बाद फिर अकॉर्डिंग टू एक्स या विद रिस्पेक्ट टू एक्स उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। तो अब ये दोनों क्वेश्चन कौन से थे, ये नॉर्मल क्वेश्चन थोड़े डिफरेंट थे, इसलिए मैंने इन दोनों को अलग सेलेक्ट किया ताकि आसानी के साथ जब आप इसको देखेंगे तो आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी, और उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएंगे। अब एक्सरसाइज 5.2 मेरी कंप्लीट हो गई है, इंशाल्लाह अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी 5.3 और 5.4 उसके साथ आपसे दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, होप यू विल अंडरस्टैंड।